हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें डेबिट कार्ड, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी रिचार्ज या पैसे देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे कि रिचार्ज का मतलब ये है कि आप जैसे डिपॉजिट करना पड़ता है, जीरो बैलेंस जब हम अकाउंट ओपन करते हैं बहुत सारे उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। 1000 का भी बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है या 2000 का, 5000 का, तो ये बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा आपको और अकाउंट नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा, आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा तुरंत चालू कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो इंटरेस्टिंग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे एक प्रार्थना है, छोटी सी विनती है, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में चलेंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमें टाइप करना होगा bankofbaroda.in। ये डालने के बाद में आपको सबसे पहला जो ऊपर का मिलेगा पेज, यहाँ पर आपको ओके करना होगा। अदरवाइज नहीं तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप फ़ोन में यूज करते हैं अपने, इसको तीन डॉट पे जाके डेस्कटॉप साइड पे मोड पे कर लें। अगर फ़ोन में आप ओपन कर रहे हैं अकाउंट, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ये आपका इसका जो डैशबोर्ड आ चुका, पोर्टल आ चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा का, आपको सुविधा यहाँ पर ये दी जाती है कि आपको इंस्टेंट आपको तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। 4 से 5 दिन में आपको बाई पोस्ट आपके पोस्ट से सेंड कर दिया जाएगा डेबिट कार्ड। जीरो बैलेंस है, आपको कोई भी बैलेंस रखने की मेंटेन की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं देना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको अदरवाइज आप कुछ चेक करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके मोर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी या सुविधाएँ दी जा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर मोर पर जाकर ऑफर्स को चेक कर सकते हो। ऑफर के तहत जैसे कि यहाँ पर आप एफडी वगैरह कराना चाहते हो वो आपके ऊपर है। हम सबसे पहले चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंकिंग सोल्यूशन जो लिखा हुआ है रेंज ऑफ वाला, तो सबसे पहले इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको सिर्फ 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे और 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में आपको तुरंत आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आप MR कर लें या MRSB कर सकते हैं या MR कर लें। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डालना होगा। फर्स्ट नेम डालने के बाद मिडिल नेम आप डालना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें, ऑप्शनल है, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ दें। उसके बाद आप लास्ट नाम डाल दें और उसके बाद एक ईमेल डाल दें। ईमेल डालने के बाद में उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट मिलता रहेगा, जैसे भी आप कोई भी रिचार्ज करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, बैलेंस भेजते हो, रिसीव करते हो, कुछ भी करते हो अदरवाइज, उसका आपको स्टेटमेंट मिलता रहेगा आपके मेल पर, तो मेल इसलिए डाला जाता है। और फिर एक और ऑप्शन आप यहाँ पे दिया जाता है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल टू लिंक टू आधार, मतलब आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये ज़रूरी है, तो वो आपको नंबर डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे टर्म कंडीशन को एग्री कर लें। एग्री करने के बाद में जैसे कि हमने एग्री पे टिक किया है तो यहाँ पर एक OTP सेंड किया है, किस वो देखिए ऊपर आ चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक OTP आई, उसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सिंपली से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंडीशन को एग्री कर लें। यहाँ पे लिखा है देखिए रिज्यूम जोनरी क्लोज हो चुका है, यहाँ पे आई एम नॉट मिरोर, और उसके बाद फिर दोबारा से आई एम रेजिडेंस इंडिया, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम पॉलिटिक्स से हमारा कोई पर्सन यहाँ पे नहीं है, मतलब हम पॉलिटिक्स का रिलेशन नहीं है हमारे साथ। उसके बाद आई एम नॉट ए एक्सटिंग कस्टमर, वो भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आई एम टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया नॉट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब हमारा जो एड्रेस है वो कोई दूसरी कंट्री में नहीं, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे टिक कर दें और इसको भी आप एक्सेप्ट कर लें, डाटा क्लेशन को भी, और एक नीचे दिया हुआ है KYC, इसको भी आप यहाँ पे जाके एक्सेप्ट कर लें और ये टिक मार्क हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप ऊपर की तरह नीचे स्क्रॉल करके आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं। पहला पेज आ चुका है, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम दूसरे पेज पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर 25% आपका कम्प्लीट हो चुका है ठीक है। तो ये हम फ़ोन पर चला रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। और फिर हम चलते हैं पैन कार्ड, दूसरे स्टेप में आपको दो डालनी होंगी डिटेल्स, पैन कार्ड और आधार कार्ड की। यहाँ पे आप पैन नंबर डाल दें अपना, पैन नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डालना होगा ठीक है। ये तो कुछ इस तरीके से वैसे बताएगा कि इनवैलिड अभी डलाई नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं, बाकी आप बेचिंता रहें।
और इसके बाद आप यहाँ पे ये जो कंडीशन दी हुई है इनको आप एक्सेप्ट कर लें, सभी को कंफर्म कर दें, क्योंकि हमें ओटीपी सेंड करना है, इसलिए ये तीनों पे कंडीशन पे टिक मार्क करके एक ओटीपी आ गया फिर दोबारा से उसी नंबर पे जो हमारे आधार कार्ड में लिंक है। तो अब ये जो ओटीपी आएगी हम इसको यहाँ पे फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम है, चल रहा है, बाकी आपको इंतज़ार करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन कर लिया है, जिसका हमें सब कुछ हमारा किट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और सीआईएफई नंबर वगैरह हमें हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल के ज़रिए सेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ हमारे नंबर पे जो हमारा नंबर इसमें हमने जोड़ा उसमें भी सेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मैसेज बॉक्स में। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद में हमने चेक कर लिया, यहाँ पे देखिए वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा का सीआईएफई नंबर दे दिया और अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दे दिया है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी मेल, मेल में जाने के बाद हम देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ वेलकम लेटर ईमेल, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे देख लीजिए, हम ऊपर दिया हुआ जो मेरा नाम दिया आपको दिख रहा होगा। आपको सबसे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन लास्ट का जो यहाँ पे प्लीज़ यूज यूअर पैन नंबर इच सीएपीसी टू ओपन द पासवर्ड प्रोटेक्ट वेलकम लेटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मुझे पासवर्ड दिया गया पीडीएफ फाइल का, वो मेरा पैन नंबर है, और आपका आधार नंबर भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ जरूर लें एक बार। यहाँ पे देखिए, फिर दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे प्लीज़ यूज यूअर पैन नंबर इन सीएपीसी टू ओपन द पासवर्ड प्रोटेक्ट वेलकम लेटर। तो यहाँ पे देखिए हमने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में आपको आप एमआई पीडीएफ व्यूअर, अगर आपका फ़ोन जिसका भी, आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो आप इससे भी कर सकते हैं। करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली से आपको बड़े अल्फाबेट में करके अपना यहाँ पे आपको डाल देना होगा अपना पैन नंबर, यहाँ पे ओपन कर देना होगा। ओपन करने के बाद में देखिए सिंपल से यहाँ पे हमें पीडीएफ फाइल में हमारा पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। ऊपर की आप ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, देखिए स्क्रॉल करके यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा नाम आ चुका है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, मेरा फादर नेम आ चुका, पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे यूपीआई आईडी भी दे दी गई है। ओके, तो आप इस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस से। आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी स्टार्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।